अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, सियालकोट विजय क्लब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही ना बेहतरीन उत्साह बताने लगे हैं जी, कबूतर को पलटाने का तरीका। तो आज आए थे जी उस्ताद नईम के पास, तो बहुत से दोस्तों की शिकायतें थी जी कबूतर पलटाते वगैरह, जी कबूतर मर गया। तो इसका बेहतरीन जो तरीका ना कबूतर पलटाने का बेहतरीन तरीका, वो आज आपको बताएँगे, और उस्ताद नईम ही आपको बताएँगे बेहतरीन और आसान तरीका। जी अब चलते हैं जी उस्ताद नईम की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर जी। दोस्तों को कबूतर पलटाने का बेहतरीन और आसान तरीका वो बताना है, क्योंकि बहुत से दोस्त शिकायत किया जी कबूतर पलटाया जी मर गया, ठीक हो गया। तो आप ऐसा करें कि हमें भी बताएं और दोस्तों को भी बताएं कि कबूतर को किस तरह पलटाना है, जो सबसे ईजी तरीका है वो हमें बताएं। ठीक हो गया। असल सारे का तरीका अपना अपना होंगे, कोई किस तरीके पलटा कोई किस तरीके पलटा, लेकिन जो साडा आसान तरीका ना वो है कबूतर ने इस तरह पानी दिता, कम से कम 60 CC पानी दिता, पानी दे के कबूतर इस तरह फड़ लिया, इन फड़ के हिलाया जरा कबूतर, दाना मिक्स हो जाता सारा, मिक्स हो गया दाना, फिर ऐसे फड़ के ना इस तरह फड़ के इस तरह, ये देखो आसान तरीका, कोई शहर नहीं अंदर रही, बिल्कुल साफ सुथरा कबूतर हो गया। तो बेशक छड़ के देखो, ए कबूतर छड़ देने, इनू देखियो पता लगता पलटाया, तो पलटाया ए देखो जी कबूतर पलटाया, ए देखो जी कबूतर को महसूस नहीं कर सकता कि कबूतर पलटिया, इस तरह कबूतर होना चाहिए पलटिया जाए, उन्होंने 5 मिनट के बाद तुम बढ़ा भी सकते हो। दोस्तों ये देख लिया जी आपने, तरीका देख लिया, बहुत ईजीली तरीका जी, इससे बेहतर और ईजी तरीका और भी हो सकता है, लेकिन ये देखिए आपके सामने ही, अब आपको ये दाना दिखाता हूँ मैं, ये दाना जो कबूतर की पोर से निकला, जो कबूतर उल्टाया था, ये देख सकते हैं आप, और कबूतर की कंडीशन भी देख लें आप एक दफ़ा फिर से देख लें। जैसे कि उस्ताद कह रहे थे कि 2 घंटे बाद इसको उड़ा भी सकते हैं आप, दो मिनट बाद इसको उड़ा भी सकते हैं, उड़ेगा भी, ऐसा नहीं होगा कि कबूतर उल्टाया कबूतर उड़ेगा नहीं, कबूतर ऐसा उल्टाया जाए तो उन्होंने पता ही ना हो कि मैंने उड़ा दो उड़ जाएगा बाद, असल आसान तरीका है वे। हो गया दोस्तों, मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।